हमारी स्ट्रॉबेरी प्यूरी हो गई है तैयार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है और ये किस वजह से बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफा फिर हाजिर है। आज माशाल्लाह से हमारे घर आई है स्ट्रॉबेरी, वो भी गिफ्ट आई है और गिफ्ट में माशाल्लाह से काफी सारी स्ट्रॉबेरी है। कुछ हमने खाने के लिए निकाल ली है, लेकिन आपको पता है कि सारी खाने में यूज नहीं होगी, इसका कुछ ना कुछ हमें सेव करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक तो आपको जैम की रेसिपी दे दी है, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि मिल्क शेक बनाने के लिए। एक तो सेम टू सेम इसको धोया, साफ किया, इसके ये डंठल उतारे, उतारने के बाद इनको अच्छे तरीके से साफ करके सेम टू सेम ऐसे ही प्रिजर्व कर दिया, यानी फ्रीज कर दिया। लेकिन मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको जिससे ये ज्यादा अच्छे तरीके से सेव की जा सकती है। वो ऐसे कि अगर आपके पास लाइट नहीं होगी या आप ब्लेंडर नहीं चला सकेंगे तो भी आप अच्छे तरीके से मिल्क शेक पी सकेंगे। वो कैसे आपको दिखाते हैं। ये जी, हमने अपनी सारी स्ट्रॉबेरी जितनी हमें चाहिए कि हमने इसको प्रिजर्व करना है, धो के साफ करके इसके ग्रीन वाला पोर्शन हमने उतार दिया है और इसको रख लिया है। अब हमने करना क्या है, इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके प्यूरी बना लेंगे। ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे ये सारी स्ट्रॉबेरीज की। अभी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता पल्स चलाकर ये हमारी स्ट्रॉबेरी की प्यूरी हो गई है तैयार। इस तरह के आप जार लेके, आप ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल जार ले लें, ट्रांसपेरेंट ले लें, ना ट्रांसपेरेंट हो तो कोई बात नहीं, कोई भी प्लास्टिक के डिब्बों में इस तरह पैक करके आप इसको रख लें जितनी जितनी आपकी जरूरत है, चाहे आइस क्यूब्स में डाल के रख लें। इस तरह आइस क्यूब्स में डाल के भी इनको प्रिजर्व किया जा सकता है। आप डाल के रख लें, जम जाएं तो इनको निकाल के जिपलॉक बैग में, शॉपर में, जैसे भी आपने इनको सेव करना हो रख लें। जब भी जरूरत हुई निकाला, दूध में डाला और जी शेक का मजा लिया। आपको आपको अगर स्ट्रॉबेरी को इस तरह सेव करने का तरीका पसंद आया हो, प्रिजर्व करने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।